हेलो एवरीवन, ब्रेन ब्लूमर वेलकम्स यू ऑल। हर बार की तरह आज का वीडियो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एडवर्ब्स की। आमतौर पर स्टूडेंट्स एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसी डिफरेंस को क्लैरिफाई करने के लिए हम लाए हैं आज का वीडियो। सो हियर वी गो। एडवर्ब की बात करें तो ये वो शब्द होते हैं जो वर्ब या क्रिया के अर्थ को और बढ़ा देते हैं। ये हमें बताते हैं कि कोई काम कैसे किया गया, कब किया गया, कहाँ किया गया इत्यादि। एक एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, जैसे दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर। यहाँ ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है लेकिन वेरी एडवर्ब है जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह अ स्नेल मूव्स वेरी स्लोली, यहाँ मूव्स वर्ब है, स्लोली एडवर्ब, और वेरी एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला दूसरा एडवर्ब। आइए अब जानें कि एडवर्ब कितने तरह के होते हैं। एडवर्ब्स कुल 7 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। इससे हमें पता चलता है कि कोई काम कैसे किया गया, जैसे दे वर टॉकिंग लाउडली, या फिर द शताब्दी एक्सप्रेस रन्स फास्ट। इनमें जो एडवर्ब आप देख सकते हैं उनमें से कुछ हैं ईजीली, काइंडली, रियली, बैडली, सैडली, जेंटली इत्यादि। दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो हमें ये बताता है कि एक्शन कहाँ लिया गया, जैसे आई एम वेटिंग आउटसाइड, या फिर द किड्स आर प्लेइंग देयर। इस प्रकार के कुछ एडवर्ब हो सकते हैं हियर, देयर, डाउन, अप, नोवेयर, समवेयर, इनसाइड, आउटसाइड इत्यादि। अगला प्रकार है एडवर्ब ऑफ टाइम का, ये हमें बताता है कि कोई काम कब किया गया या कितनी देर के लिए किया गया। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हमें जिन क्वेश्चंस का जवाब देता है वो हैं कब। उदाहरण हो सकते हैं द मीटिंग विल टेक प्लेस टुमारो, या फिर ही इज राइटिंग नाउ। ऐसे कुछ और एडवर्ब हैं देन, बिफोर, आफ्टर, लेट, टुडे, टुमारो इत्यादि। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की। ये एडवर्ब किसी काम की इंटेंसिटी बताते हैं और किसी एडजेक्टिव, वर्ब या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई भी करते हैं। उदाहरण के लिए शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, या फिर दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ऐसे और एडवर्ब्स हैं इनफ, क्वाइट, एब्सोल्यूटली, ऑलमोस्ट इत्यादि। आगे हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये वो एडवर्ब हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई काम कितने बार किया गया या किया जाता है। उदाहरण के लिए आई नेवर टेल अ लाई, या फिर ही ऑलवेज कम्स लेट। ऐसे और एडवर्ब्स हैं ऑफन, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, समटाइम्स इत्यादि। इसके बाद बारी आती है इंटरोगेटिव एडवर्ब की, जिसमें वो एडवर्ब्स आते हैं जो हमें जगह, समय, नंबर, मैनर, क्वांटिटी या रीजन से जुड़े प्रश्न पूछने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए वेयर इज टॉम, हाउ डू यू डू दैट, या फिर व्हेन विल यू लीव फॉर टोरंटो इत्यादि। अब जानिए रिलेटिव एडवर्ब्स को। ये वे एडवर्ब होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हुए उसे मॉडिफाई करते हैं, जैसे दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, यहाँ वेयर रिलेटिव एडवर्ब है, या फिर आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही डिसओबेड मी, यहाँ व्हाई रिलेटिव एडवर्ब है। तो आप देख सकते हैं जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं का प्रयोग रिलेशन या संबंध बताने के लिए भी किया जाता है। अब जान लेते हैं एडवर्ब से जुड़े नियमों के बारे में। मुख्यतः एडवर्ब और एडजेक्टिव में ये डिफरेंस होता है
कि एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है जबकि एडवर्ब वर्ब की। उदाहरण के लिए ही इज अ फास्ट एथलीट, यहाँ फास्ट एडजेक्टिव है लेकिन दिस एथलीट रन्स फास्ट में फास्ट एडवर्ब है। बिल्कुल एडजेक्टिव की ही तरह एडवर्ब्स को भी कंपेयर किया जा सकता है जिसमें सिंगल सिलेबल वाले शब्दों में ER या EST लगाकर उन्हें कंपेरेटिव या सुपरलेटिव बनाया जाता है, जैसे अर्ली से बनेगा अर्लियर और अर्लीएस्ट, हार्ड से बनेगा हार्डर और हार्डेस्ट, जबकि दो या दो से अधिक सिलेबल वाले एडवर्ब्स को मोर और मोस्ट लगाकर कंपेरेटिव या सुपरलेटिव बनाया जाता है, जैसे फ्रीली से बनेगा मोर फ्रीली मोस्ट फ्रीली और हेविली से बनेगा मोर हेविली मोस्ट हेविली। जबकि कुछ एडवर्ब इररेगुलर तरीके से भी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनते हैं, जैसे बैडली से बनेगा वर्स और वर्स्ट, जबकि लिटिल से बनेगा लेस और लीस्ट। इन सभी के लिए किसी एडवर्ब में ER और मोर दोनों साथ में लगाना बिल्कुल गलत है। अब जानिए कि एडवर्ब बनाए कैसे। तो पहला तरीका है LY लगाकर, जैसे वाइज बना वाइजली, क्विक बना क्विकली। जो शब्द Y पर ही खत्म होते हैं उन्हें एडवर्ब बनाते समय Y I में चेंज हो जाता है, जैसे हैप्पी से बना हैप्पीली और एंग्री से बना एंग्रीली। लेकिन हर एडवर्ब के साथ LY लगाकर ही एडवर्ब बनाया जाए ये ज़रूरी नहीं, जैसे She writes well, या फिर He often comes here, या फिर I never tell a lie। यहाँ देखा आपने कि इन सभी एडवर्ब्स में LY नहीं लगाया गया। यदि अब आपने एडवर्ब को अच्छी तरह से समझ लिया है तो कमेंट में far और much का कंपेरेटिव और सुपरलेटिव ज़रूर लिखकर बताएं। आशा है ये वीडियो आपको यूजफुल लगा। अगला वीडियो आने तक कीप लर्निंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।